हाउ इज फायर एक्सटिंग्विश्ड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि फायर को कैसे बुझाया जाता है, जब आग कहीं लग जाए तो उसे कैसे बुझाया जाएगा। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग ड्यू टू द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। वाटर को हम लोग, पानी से हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, जब शॉर्ट सर्किट के द्वारा जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आग लग जाएगा तो वहाँ पर हम लोग पानी से उस आग को नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी डालने से शॉर्ट सर्किट होने का डर है और आग को भड़कने का डर है, इलेक्ट्रोक्यूशन का डर है। फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग वे। जब भी आग लग जाए तो निम्न तरीकों से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। नंबर वन, बाय रिमूविंग कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज। सराउंडिंग एरिया से कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा करके हम लोग फायर को बुझा सकते हैं, फायर आग लगी हुई को बंद कर सकते हैं। बाय रिमूविंग कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज हम लोग कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि जिस सब्सटेंस में आग लगा हुआ है, जो सब्सटेंस वहां पर कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ज्वलनशील सब्सटेंस है, उसको वहां से दूर कर दिया जाए ताकि आग और नहीं फैले। नंबर टू, बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ द सपोर्टर ऑफ कंबसन, दैट इज बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। दूसरा तरीका यह है कि वहाँ पर जो सपोर्टर ऑफ कंबसन एयर है, उस सप्लाई एयर को हम लोग किसी भी तरीके से उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के पास पहुँचने से बंद कर दें कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, सप्लाई एयर का सप्लाई नहीं हो सके, ताकि सपोर्टर ऑफ कंबसन वहाँ पर जब नहीं मिलेगा, कोई एयर जब नहीं मिलेगा जब उस जलते हुए सब्सटेंस को, तब वह बुझ जाएगा। फायर एक्सटिंग्विश बाई स्प्रेइंग वाटर। आग को पानी छिड़क कर बुझाया जा सकता है। व्हेन वाटर इज स्प्रेड ओवर ए बर्निंग ऑब्जेक्ट इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विशिंग फायर इन टू वेज। यदि किसी जलते हुए ऑब्जेक्ट पर पानी छिड़कते हैं तो निम्नलिखित दो तरीके से वह उस आग को बुझाता है। नंबर वन, इट ब्रिंग्स द टेम्परेचर ऑफ द कम्बस्टिबल मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, एज ए रिजल्ट द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश। पहला तो यह करता है कि वह उस जलते हुए सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से भी नीचे ले जा ले कम कर देता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से भी कम कर देता है, जिसके चलते आग आगे नहीं लग पाता है और आग बुझ जाता है, एज ए रिजल्ट द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। नंबर टू, द वाटर वेपर फॉर्म्ड ड्यू टू द हीट ऑफ फायर कट्स द सप्लाई ऑफ द एयर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर सपोर्टर ऑफ कंबसन द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। हाउएवर वाटर शुड नेवर बी यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग वाइल्ड फायर्स, दिस इज बिकॉज वाइल इज लाइटर देन वाटर, वाइल फॉर्म्स ए थिन लेयर ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर एंड फ्लोज विद द वाटर देयर बाय स्प्रेडिंग फायर टू लार्जर एरियाज। नंबर टू पॉइंट देख रहे हैं, द वाटर वेपर फॉर्म्ड ड्यू टू द हीट ऑफ फायर कट्स द सप्लाई ऑफ द एयर। यदि हम लोग जब वाटर को उस जलते हुए सब्सटेंस पर जब बीकते हैं तो वहां पर वाटर वेपर फॉर्म करता है ड्यू टू हीट ऑफ फायर, और वह जो वाटर वेपर फॉर्म करता है वह सप्लाई ऑफ एयर को कट कर देता है, काट देता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर या सपोर्टर ऑफ कंबसन, वहां पर सपोर्टर ऑफ कंबसन की कमी के चलते द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, वहां पर आग बुझ जाता है। हाउएवर वाटर शुड नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, हाउएवर वाटर शुड नेवर बी यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग वाइल्ड फायर्स। जबकि हम लोग पानी से किसी भी तेल के कुएं में या तेल में लगे हुए आग को हम लोग नहीं बुझा सकते हैं, दिस इज बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर से ऑयल हल्का होता है, ऑयल हल्का होता है और वाटर भारी होता है। जब भी वाटर हम ऑयल पर छिड़केंगे तो ऑयल वाटर के ऊपर आ जाएगा और एक थिन लेयर बना देगा और आग मेरा और अधिक फैल जाएगा। ऑयल फॉर्म्स ए थिन लेयर ओवर द सरफेस ऑफ वाटर एंड फ्लोज विद द वाटर देयर बाय स्प्रेडिंग फायर टू लार्जर एरियाज।
by spraying highly volatile compounds such as carbon dioxide and CCl4. A fire can also be controlled by spraying either carbon dioxide CO2 or carbon tetrachloride sold under the commercial name pyrene on it. किसी भी जलते हुए आग को हम लोग उस आग पर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड छिड़क करके भी बुझा सकते हैं. कार्बन टेट्राक्लोराइड मार्केट में पायरीन नाम से बेचा जाता है. Both these compounds are highly volatile substances, so they immediately vaporize to cut off the supply of air. The absence of the supporter of combustion helps in extinguishing fire. ये दोनों substances, carbon dioxide और carbon tetrachloride, highly volatile substances है. जैसे ही इसको हम लोग छिड़कते हैं जलते हुए substances पर, ये vaporize करके उसके चारों तरफ फैल जाता है और supply of air को बंद कर देता है, जिसके चलते supporter of combustion जब उस जलते हुए सब्सटेंस को नहीं मिलता है, कंबस्टिबल मटेरियल को नहीं मिलता है, तो वहां फायर बुझ जाता है, फायर एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है. फोमाइट फायर एक्सटिंग्विशर. इन दिस मेथड द सप्लाई ऑफ एयर इज कट ऑफ बाय फॉर्मिंग ए लाइट फायर प्रूफ लेयर ऑफ फोम अराउंड द बर्निंग मटेरियल.